हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल फिलोसफी सिंप्लीफाइड। इंडियन फिलोसफिकल स्कूल सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा विशिष्ट अद्वैत स्कूल ऑफ वेदांत। वेदांत के काफी सारे पॉपुलर स्कूल्स हैं, जैसे अद्वैत जो हमने लास्ट डिस्कस किया था, इसके बाद विशिष्ट अद्वैत रहता है, द्वैत रहता है, द्वैत अद्वैत रहता है, शुद्ध अद्वैत रहता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो शंकराचार्य हैं वो अद्वैत स्कूल के प्रपाउंडर हैं, और उनकी मेन फिलोसफी क्या थी कि जो एब्सोल्यूट रियलिटी दैट इज निर्गुण ब्राह्मण्स, माया को मानते हैं, अध्यास को मानते हैं, इसी वजह से क्या होता है जो रियलिटी है वो सबलेट होती रहती है। रियलिटी सबलेट नहीं होती है, जो हमारा फिनोमिनल एक्सपीरियंस है यहाँ पे सबलेशन पॉसिबल है, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। यही वजह थी जब वो एब्सोल्यूट रियलिटी की बात करते हैं, अद्वैत की बात करते हैं, तो उनका क्या रहता है, अनक्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म्स। अनक्वालिफाइड क्यों वर्ड यूज करें, क्योंकि वहां पे क्लैरिटी नहीं है इस चीज को लेके। क्यों? क्योंकि जब आप ड्रीम स्टेज में होते हैं तब ड्रीम रियल होता है, पर जैसे वेकिंग स्टेज में आए ड्रीम अनरियल हो गया। उसी तरह से जब आप फिनोमिनल लेवल लाइफ जी रहे हैं, जो ये डे टू डे लाइफ है, यहाँ पे सरगुण ब्राह्मण रियल है, बट जैसे ही आप इससे लेवल अप होगा, आपका निर्गुण की तरफ आप जाएंगे, सरगुण ब्राह्मण जीरो हो जाएगा। इसलिए सरगुण ब्राह्मण भी है बट तब तक है जब तक आप उस स्टेट में हैं। जैसे आपकी स्टेट अपग्रेड होगी, सरगुण ब्राह्मण नहीं है, तो इसलिए वो अनक्वालिफाइड वर्ड यूज करते हैं, क्वालिफाइड वर्ड यूज नहीं करते हैं। बट जो आज का हमारा टॉपिक है ये है विशिष्ट अद्वैत रामानुजन। सो विशिष्ट अद्वैत का अगर मतलब देखा जाए, विशिष्ट का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइड, जहाँ पे क्लैरिटी हो, और अद्वैत का मतलब क्या है, नॉन ड्यूल, मतलब मोनिजम्स। सो यहाँ पे रियलिटी जो है वो सिंगल है, शंकराचार्य की तरह नहीं है कि सरगुण भी होता है बट सरगुण सबलेट हो जाता है जैसे आप निर्गुण की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे जिसको भी ये मानेंगे वो वहां पे एक ही स्टैंड होगा उनका, मल्टीपल स्टैंड वो नहीं लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है, दैट इज विशिष्ट अद्वैत स्कूल ऑफ रामानुजन, जहां पे हम जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये देखेंगे, क्वालिफाइड मोनिज्म क्या है, सरगुण ब्राह्मण क्या है, दैट इज आइडेंटिटी इन डिफरेंस, पार्थिक सिद्धि क्या है, जिसमें गॉड मैटर एंड सोल डिस्कस करने वाले हैं हम, परिणाम बाद भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो बेसिक जो मेन पॉइंट्स रहेंगे सारा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। रामानुजन की अगर हम बात करें, इनका बर्थ हुआ था 1027 एडी में। कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। क्लियर। तो रामानुजन का जो मेन कंट्रीब्यूशन अगर हम वो देखें, इन्होंने क्या क्या जो प्राइमरी टेक्स्ट इन्होंने लिखी थी, एक तो वेदांत सार लिखा है इन्होंने, वेदांत संग्रह लिखा है, वेदांत दीप लिखा है, और ब्रह्मसूत्र के ऊपर इन्होंने कमेंट्री की है, भगवत गीता के ऊपर भी। जो ब्रह्मसूत्र के ऊपर इनकी कमेंट्री है उसका नाम है सिरिभाष्या। सो, शंकराचार्य की तरह ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं वेदांत स्कूल के, वेदांत फिलॉसफी के। इनकी जो मेथडोलॉजी है, इनकी जो अजम्पशंस थी, बेसिक फिलॉसफी थी, जो आइडियोलॉजी थी, बेसिक जो प्रॉब्लम्स थी जिनसे डील कर रहे थे, वो काफ़ी सिमिलर्स हैं, और बट इनके जो रिजल्ट आए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। क्लियर। जैसे शंकराचार्य की बात करें, वो निर्गुण की बात करते हैं, एब्सोल्यूट की बात करते हैं, जब अल्टीमेट रियलिटी की बात करते हैं तो वो निर्गुण की बात करते हैं, बट अगर हम रामानुजन को देखें तो ये सरगुण तक ही लिमिटेड है। रामानुजन ट्रस्ट फैमिली टू द रिलीजियस इंस्टिंक्ट एंड सेट फोर्थ ए डीपली रिलीजियस व्यू विच रिवील गॉड टू मैन थ्रू क्रिएशन, थ्रू द थियोफेन्स, थ्रू द प्रोफेट्स, थ्रू द इनकॉर्नेशंस। तो मतलब रामानुजन की फिलॉसफी को अगर आपको समझना है तो आपको ऐसे समझना है कि जैसे एक टिपिकल रिलीजियस पर्सन होता है, टिपिकल रिलीजियस पर्सन्स, क्लियर, मतलब धार्मिक इंसान जो होता है, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो वेदांतिक फिलॉसफी, इट्स ए काइंड ऑफ रिलीजियस फिलॉसफी। जैसे आपको स्कॉलेस्टिक फिलॉसफी में देखने को मिलता है कि वो जो रिलीजियस बिलीफ हैं, रिलीजियस फेथ हैं, उनको वो रैशनली जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे स्कॉलेस्टिक फिलॉसफर्स, क्रिश्चियन फिलॉसफर्स। उसी तरह से रामानुजन जो हैं ये भी उसी तरह का काम कर रहे हैं। जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, जो फिनोमिनल लाइफ है, जो हम डे टू डे लाइफ में जीते हैं, जो गॉड का कंसेप्ट है, फिनोमिनल गॉड का, उसको ये फिलोसफिकली डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है ना? जैसे हम मानते हैं भगवान के पास शक्ति है, हम पूजा करेंगे, वो हमारी मदद करेगा, भगवान ने दुनिया बनाई है, मिटा देगा वो उसको, भगवान यहीं है, तो भगवान बाहर भी हैं, है ना, भगवान स्वर्ग में होते हैं, उस तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे देखने वाली, रामानुजन का जो कॉन्सेप्ट है रियलिटी को लेके, जहाँ उनकी फिलॉसफी की अगर हम पूरी बात करें,
तो वहां पे तीन सेंट्रल कंसेप्ट हैं, गॉड, सोल एंड मैटर। क्लियर? द होल सिस्टम ऑफ रामानुजा इज बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन गॉड एंड द वर्ल्ड ऑफ मैटर एंड सोल्स। तो बेसिकली रामानुजा क्या कहते हैं कि जो ब्राह्मण है, सरगुण ब्राह्मण, इट इज द यूनिटी ऑफ द डिफरेंट सेल्फ्स, जिसे आत्मा कहते हैं हम, एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट ऑफ द फिनोमिनल वर्ल्ड। सो रामानुज रिकॉग्नाइज थ्री अल्टीमेट रियलिटीज, गॉड, सोल एंड मैटर। द लास्ट वर एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट, एंड द फर्स्ट वन इज गॉड। तो मतलब उनके अकॉर्डिंग जो रियलिटी हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री डिफरेंट थिंग्स, जिसमें वो गॉड को इंक्लूड कर रहे हैं, सोल को एंड मैटर को। बट वो ये बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि जो सोल और जो मैटर हैं, ये इंडिपेंडेंट सब्सटेंस नहीं है, इनका जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंडेंट है। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स की तरह हैं, जैसे एक सब्सटेंस होता है और उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, और एक सब्सटेंस बिना एट्रीब्यूट्स के आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते, और जो एट्रीब्यूट्स है उसको आप बिना सब्सटेंस के तो बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एब्सोल्युटली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, सब्सटेंस पे, और सब्सटेंस के भी डेफिनेटली एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इस तरह से ये बात करते हैं कि जो गॉड है और जो सोल और मैटर हैं, ये क्या है, सोल और मैटर इंटरडिपेंडेंट है, किस पे, गॉड पे। गॉड इंडिपेंडेंट सब्सटेंस है, सब्सटेंस क्या होता है, बाय डेफिनेशन जो अपने आप में एग्जिस्ट करता है, तो गॉड एब्सोल्यूट सेंस में रियल है। और जो सोल और मैटर है वो एब्सोल्यूट सेंस में रियल नहीं है, क्यों, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उनका जो एग्जिस्टेंस है वो गॉड के एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए वो इनसेपरेबल है गॉड से। बेसिकली अगर हम देखें कि जो गॉड है और जो सोल है और जो मैटर है, इनके बीच कैसा रिलेशन है, देयर रिलेशन इज लाइक द रिलेशन ऑफ द बॉडी टू द सोल, बॉडी टू द सोल। जैसे आत्मा क्या है, हमारी जो आत्मा है इट्स अ प्योर थिंग इक्विवेलेंट टू गॉड, और हमारी जो बॉडी है वो एक सेपरेट चीज है। उसी तरह से जैसे जो गॉड है वो क्या है, प्योर सोल है, और जो सोल और मैटर है ये क्या है, गॉड की बॉडी है। मतलब सपोज हमने ये कंसीडर किया कि जो अल्टीमेट रियलिटी है दैट इज गॉड। अब जैसे मैं एब्सोल्यूट हूँ, मैं अपने आप में रियल हूँ, है ना, तो मेरे में भी दो एस्पेक्ट हैं, एक सोल है और एक बॉडी है। उसी तरह अगर गॉड की हम बात करते हैं, उसके भी दो एस्पेक्ट होंगे, एक उसकी आत्मा जिसे भगवान खुद हैं जो, और जो सोल है और जो ये मटेरियल वर्ल्ड है ये गॉड की बॉडी है। मतलब जैसे आपने स्पिनोज़ा में देखा होगा, स्पिनोज़ा भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से बात करते हैं कि जो गॉड है वो क्या है, ट्रांसेंडेंट नहीं है, इमिनेंट है, हर एक चीज, एवरीथिंग इज फुल ऑफ गॉड, ऐसा कह सकते हैं आप, क्योंकि हर एक चीज में भगवान है, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जहीं भगवान नहीं है। क्यों, क्योंकि सोल इज अ पार्ट ऑफ गॉड, मैटर इज अ पार्ट ऑफ गॉड। सो सोल मेरे में है, मैटर मेरे में है, तो मेरे में भगवान भी है। क्यों, क्योंकि जो मैं हूं मैं भगवान का शरीर हूं, मेरी आत्मा और मेरा जो शरीर है ये भगवान का शरीर है, और भगवान खुद क्या है, आत्मा। इस तरह से ये बात करते हैं, दे आर ऑर्गेनिकली कनेक्टेड विद गॉड। जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो सारे कनेक्टेड होते हैं जब तक कोई लिविंग बींग है, कोई रियल बींग है। उसी तरह से जो सोल और बॉडी है, जो सोल और मैटर है, ये भी ऑर्गेनिकली गॉड से रिलेटेड है, एज इनसेपरेबल एज द एट्रीब्यूट फ्रॉम द सब्सटेंस। द थ्री फॉर्म वन ऑर्गेनिजम्स, एब्सोल्यूट की बात, जब आप गॉड की बात करते हैं उसमें वर्ल्ड भी है, उसमें सोल्स भी हैं, आत्मा भी हैं। दे आर ए कॉम्प्लेक्स होल एंड ऑर्गेनिक यूनिटी, द वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना इज एज रियल एज ब्राह्मण। क्यों, क्योंकि वो उसके शरीर है, ये जो फिनोमिनल वर्ल्ड आपको नजर आ रहा है ये इट इज कंपोज्ड ऑफ मैटर, बट मैटर गॉड से कैसे रिलेटेड है, जैसे हम जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से रिलेटेड है, उसी तरह से मेरी आत्मा और मेरा शरीर भगवान से किस तरह से रिलेटेड है, वो भगवान की बॉडी है। मतलब हमारी बॉडी और हमारा जो सोल है ये भगवान की बॉडी बनाते हैं, और भगवान खुद क्या है, गॉड क्या है, खुद आत्मा है, और जो हमारी बॉडी और सोल है दो भगवान की बॉडी है। इसलिए मतलब सारे क्या है, एक ऑर्गेनिक यूनिटी, एक ऑर्गेनिक होल है। द वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना इज एज रियल एज ब्राह्मण। इसलिए जो फिनोमिनल वर्ल्ड है आप इसको अनरियल कंसीडर नहीं कर सकते, जैसे शंकराचार्य बात कर रहे हैं। क्यों कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ गॉड, इट इज अ पार्ट ऑफ गॉड, और भगवान का पार्ट अनरियल कैसे हो सकता है। इसलिए रामानुजन बिल्कुल डिफर हो जाते हैं शंकराचार्य के कंपैरिजन में।
वो इस फिनोमिनल वर्ल्ड को एग्जैक्टली एब्सोल्युटली रियल मान रहे हैं। द इंडिविजुअल सेल्व्स एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रिलेटेड टू सगुण ब्रह्मन एज पार्ट्स टू ए होल। क्लियर? सो बेसिकली जब हम रामानुजन की बात करते हैं, जो रामानुजन का गॉड है, वो गॉड विद क्वालिटीज है, गॉड विदाउट क्वालिटीज नहीं है। जैसे तरह से शंकराचार्य बात कर रहे थे, जो रामानुजन का गॉड है वो क्रिएटर है, सस्टेनर है, डिस्ट्रॉयर है। उसने दुनिया बनाई है, दुनिया चला भी वही रहा है, और दुनिया जिस दिन प्रलय होगी वही करेगा। रामानुजन क्या कहते हैं कि जो गॉड है, परमात्मा जो है, ब्रह्मन, अकॉर्डिंग टू रामानुजन इज नॉट क्वालिटी लेस, जिस तरह से शंकराचार्य कहते हैं, बट हैज रियल क्वालिटीज। वो थ्री एसेंशियल क्वालिटीज बताते हैं उनमें, वो सत्यम की वो रियलिटी है, ज्ञानम वो कॉन्शियसनेस है, एंड अनंतम दैट इज इन्फिनाइट। ये तीन क्वालिटीज हैं गॉड की। क्या क्या? एक रियलिटी, एक कॉन्शियसनेस और एक इन्फिनाइट। इसलिए जो कॉन्शियसनेस है यहाँ भी, वो सोल की प्रॉपर्टी नहीं है, वो गॉड की प्रॉपर्टी है। गॉड एब्सोल्युटली रियल है, गॉड एब्सोल्युटली जो कॉन्शियसनेस है इज अ गॉड प्रॉपर्टी, एंड गॉड क्या है? इन्फिनाइट है। मैटर की लिमिट होती है, सोल भी यहाँ पे फिनाइट उसको बोला गया है। गॉड की तरह नहीं है, सोल इतना रियल नहीं है जितना गॉड है। इसलिए मतलब जब यहाँ पे हम जैसे बात कर रहे थे बिगनिंग में कि इनमें यूनिटी है तीनों में, अब यूनिटी नहीं है, यूनियन है। इट इज नॉट यूनिटी, इट इज यूनियन। सो बेसिकली अगर हम देखें, जो मैटर, सोल और गॉड हैं, जो इनमें जो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है? इनसेपरेबल। और इनसेपरेबल वर्ड के लिए, जो इनसेपरेबल रिलेशनशिप है, इसके लिए जो रामानुजन वर्ड, टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, वो है अपार्थिक सिद्धि, दैट इज इनसेपरेबल रिलेशनशिप। सो दे टुगेदर विद गॉड इमिनेंट इन दैम कॉन्स्टिट्यूट द रियलिटी। दे टुगेदर कौन कौन? सोल और मैटर विद गॉड इमिनेंट इन दैम कॉन्स्टिट्यूट द रियलिटी। सो मतलब जब सोल और मैटर गॉड के साथ एक होते हैं, तब क्रिएशन होती है। क्या होती है? क्रिएशन होती है, फिनोमिना एग्जिस्टेंस में आती है, बल्ड एग्जिस्टेंस में आता है। सो अकॉर्डिंग टू रामानुजन, इवन इन द स्टेट ऑफ डिजोल्यूशन, जब प्रलय होती है, देयर रिमेन्स डिस्टिंक्शन इन ब्रह्मन सेल्फ्स एंड अनडिफरेंशिएटेड मैटर्स। तो मतलब जो आत्मा है, जो सेल्फ जिसे हम बोल रहे हैं, और जो मैटर है, ये कभी परमात्मा नहीं हो सकते, गॉड नहीं हो सकते। ये तीनों अलग अलग हैं, बट ये तीनों क्या हैं? इनसेपरेबल हैं, इनसेपरेबल हैं, बट ये तीनों सेपरेट हैं, और इनका जो रिलेशन है वो इनसेपरेबल है। आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, बट ये हैं तीनों अलग अलग। तो अभी जो रामानुजन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? आइडेंटिटी इन डिफरेंसेस। ये तीनों डिफरेंट हैं, बट तीनों क्या हैं? एक हैं। दैट इज आइडेंटिटी इन डिफरेंसेस। अब जैसे आप शंकराचार्य की बात करते हैं, वहां क्या था? आइडेंटिटी विदाउट डिफरेंसेस। तो रामानुजन क्या बोल रहे हैं कि भाई जहां पे आइडेंटिटी विदाउट डिफरेंसेस कैसे पॉसिबल है? जहां डिफरेंस ही नहीं है वहां आइडेंटिटी कैसे होगी? वहां तो वो है ही, जहां मतलब कोई फर्क ही नहीं है वहां पे आइडेंटिटी की बात क्या करोगे? जब दो सेपरेट चीजें होंगी तो आप बोलोगे भाई दोनों आइडेंटिकल हैं। जब डिफरेंसेस है ही नहीं, फिर आइडेंटिटी किस बात की? तो जब डिफरेंसेस हैं क्लियर, तब आप बोलो कि अब ये आइडेंटिकल हैं, तो वो लॉजिकल पॉइंट है, फिलोसफिकल पॉइंट है। और जो रामानुजन का पॉइंट था वो क्या था? आइडेंटिटी इन डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? सोल अलग है, गॉड अलग है, मैटर अलग है, बट ये तीनों क्या हैं? इनसेपरेबल हैं, अपार्थिक सिद्धि जिसे कहते हैं, हम सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करते। बेसिकली होता क्या है कि जो रामानुजन, अनलाइक शंकरा, रिजेक्ट कंप्लीट आइडेंटिटी ऑफ मैन एंड गॉड, कि मैन और गॉड कभी एक नहीं हो सकते। जिस तरह से शंकराचार्य बोलते हैं कि जब मोक्ष मिलती है, लिबरेशन मिलती है, विदेह मुक्ति मिलती है, तो हम क्या ब्रह्मन और आत्मा एक हो जाते हैं, शून्य। बट ये नहीं मानते ऐसा। फॉर रामानुजा मैन इज आइडेंटिकल विद गॉड ओनली इन द सेंस दैट गॉड परवेड एंड कंट्रोल द होल यूनिवर्स। क्लियर? शंकराचार्य की तरह आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए मतलब आइडेंटिटी वर्ड, जो यूनिटी वर्ड यूज ही नहीं करते हैं। रामानुजन यूनियन वर्ड यूज करते हैं कि जो सेल्फ, गॉड और मैटर है, इनके बीच यूनियन है, यूनिटी नहीं है। सो अभी तक आप समझ पा रहे होंगे, जैसे ब्रह्मा हो गया, विष्णु हो गया, महेश हो गया, तो रामानुजन का जो गॉड है वो इस तरह का गॉड है,
शंकराचार्य की तरह नहीं है कि नेमलेस है, फॉर्मलेस है, जिसे वो निर्गुण कहते हैं, गॉड विदाउट क्वालिटीज। जो रामानुजन का गॉड है, इट इज गॉड विद क्वालिटीज। तो मतलब यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि जो रामानुजन का जो कॉन्सेप्ट है, जो इन्होंने ड्रॉ किया है कॉन्सेप्ट, वो फिनोमिनल वर्ल्ड को देख के किया, इंसान को देख के किया, कि इमेजिन कर रहे हैं कि जो गॉड है वो भी ह्यूमन फॉर्म में ही होगा। क्लियर? तो जैसे मतलब जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ गॉड, इनडायरेक्टली हम ऐसा कह सकते हैं। जैसे मतलब इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कॉजेशन या थ्योरी ऑफ क्रिएशन जो है, वहां पे तो ये क्लियरली क्या मानते हैं, सत्कार्यवाद, कि जो इफेक्ट है वो प्री एग्जिस्ट करता है कॉज में। क्लियर? और जो कॉज और इफेक्ट हैं वो दोनों रियल होते हैं, है ना। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है कॉज की इफेक्ट में, वो भी क्या है, रियल है। वो ब्रह्मन खुद होता है जो ट्रांसफॉर्म करता है अपने आप को वर्ल्ड में। क्लियर? तो थ्योरी का नाम क्या था इनका, ब्रह्मन परिणामवाद। ब्रह्मन परिणामवाद, इट इज ब्रह्मन हु ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इन टू द वर्ल्ड। तो जब तक ब्रह्मन इन्वॉल्व नहीं होगा, क्रिएशन नहीं होगी। जब डिस्ट्रक्शन होती है ब्रह्मन इन्वॉल्व होता है, जब क्रिएशन होती है ब्रह्मन इन्वॉल्व होता है। सो जो वशिष्ठ अद्वैत स्कूल है, एक थीस्टिक स्कूल है ना, तो यहाँ पे मतलब रामानुजन को अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो यहाँ पे भक्ति को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है एज कम्पेयर टू नॉलेज। जैसे शंकराचार्य की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, ज्ञान को, नॉलेज को, कि आप ब्रह्मन के साथ एक कब होंगे, निर्गुण के साथ, थ्रू ज्ञान, नॉलेज के थ्रू। बट यहाँ पे नॉलेज को छोड़ के भक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। भक्ति होल्ड ए हायर प्लेस इन इट देन ज्ञान। अकॉर्डिंग टू रामानुजन, ज्ञान योग इज ओनली मेडिटेशन ऑन द नेचर ऑफ द सोल फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजिंग दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स फिजिकल शील्थ। बट भक्ति योग इज ए हायर स्टेज ऑफ मेडिटेशन अकम्पन्ड बाई लव ऑन द नेचर ऑफ गॉड फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजिंग द सोल रिलेशन टू दैम। पर्टिकुलरली जैसे हम सोल की बात करें तो ये बात करते हैं कि जो सोल है ना, तीन टाइप के होते हैं। नित्य मुक्त, जो हमेशा फ्री है, कभी बाउंड हुए ही नहीं है। मुक्त, लिबरेटेड, जो कभी बाउंड थे बट आज उनको मोक्ष मिल गई, लिबरेशन मिल गई है। एक होता है बाधा, वो सोल जो बाउंड है अभी भी संसार में, जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, इसके चक्कर मार रहे हैं। तो जब जो बाधा सोल है, जो इस बंधन में घुसा हुआ है जन्म और मरण के, उसको फ्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा, भक्ति। रामानुजन के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, भक्ति करनी है, डिवोशन। अब भक्ति का मतलब क्या है, यहाँ पे सरेंडर कर दो भगवान के सामने, बस अब जो होगा तू करेगा। भक्ति मतलब जैसे, अब मैं तभी बोल रहा हूँ ना, रामानुजन की जो फिलॉसफी है वो इट्स अ रिलीजियस फिलॉसफी। जैसे एक रिलीजियन पर्सन करता है, पूरा अपने आप को भगवान पे छोड़ देना, बस दैट इज भक्ति। जब आप सरेंडर कर देते हो, जब आप सरेंडर कर दिया तो उसका मतलब क्या है कि अब जो करना है तो उन्हें करना है। तो उस टाइप का भगवान है, इनका भगवान भी वैसा ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं गॉड इन क्वालिटीज, जो क्रिएटर है, सस्टेनर है, डिस्ट्रॉयर है, ऑल नोवर है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशियंट, ओमनीपोटेंट, जो हम वर्ड यूज करते हैं, ये सब उस भगवान को मान रहे हैं। बट जो शंकरा का गॉड था वो बिल्कुल अलग था, वो था गॉड विदाउट क्वालिटीज। बट ये जो क्वालिटीज हैं, ये उस भगवान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो कॉन्शियसनेस है वो गॉड की प्रॉपर्टी है, सोल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। बट जो सोल है वो नोवर है ना, एजेंट भी है और भोक्ता भी है, ज्ञानता, कर्ता एंड भोक्ता। ये रामानुजन के व्यूज हैं। सो मोक्ष कम्स ओनली आफ्टर डेथ टू वन हु परफॉर्म्ड हिज भक्ति। इट इज द एंजॉयमेंट ऑफ ब्लिस विद ए सुपीरियर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन वैकुंठ। बोलते हैं ना जी, डेथ हो जाएगी तो हम स्वर्ग में जाएंगे, उसी तरह पॉइंट का कॉन्सेप्शन है बिल्कुल। अब पॉइंट ये याद रखना कि यूनिटी नहीं है, आप भगवान के साथ साथ में नहीं रहोगे, पास वाले घर में रहोगे, इस तरह से कि वहां पर यूनिटी नहीं है, यूनियन हो रही है। जब कर्म खत्म हो जाएंगे फिर से वापस आ जाओगे, फिर से अच्छे कर्म करोगे, फिर से भक्ति करोगे, फिर से भगवान के पास जाने का मौका मिल जाएगा। और ज़्यादा अच्छे करोगे तो फिर वही नित्यामुक्त जैसे है, जो बिल्कुल फ्री हो गया, मुक्त बाद, इस तरह से बात करते हैं ये, जैसे भगवद गीता का कॉन्सेप्ट है। चलिए क्रक्स देखते हैं इसको। इन हिज श्रीवास्य रामानुजा रिजेक्ट शंकरा माया आर अज्ञान फॉर सेवन रीजन्स काल सप्त अनु। क्या पॉइंट है यहाँ पे, ही नेवर डज डिनाई द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब ये पॉइंट क्लियर है कि वो फिनोमिनल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड मानते हैं, उसको वो अनरियल कंसीडर नहीं कर रहे हैं जैसे शंकरा करते हैं। टू हिम द यूनिटी ऑफ द एब्सोल्यूट डज नॉट एक्सक्लूड द वर्ल्ड एंड इट्स प्लुरलिटी फ्रॉम इटसेल्फ। तो जब आप सगुण ब्रह्मन को रियल मानते हैं, भगवान को रियल मानते हैं, उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप वर्ल्ड को अनरियल कहेंगे। वर्ल्ड भी उतना ही रियल है जितना ब्रह्मन रियल है। द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन गॉड एज गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर ऑन गोल्ड। तो मतलब जो फिनोमिनल वर्ल्ड है,
जो आत्मा है, सोल है, वो भगवान पे उसी तरह से डिपेंडेंट है जैसे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो गोल्ड पे डिपेंडेंट होते हैं। अब गोल्ड के ऑर्नामेंट बिना गोल्ड के पॉसिबल है क्या? उसी तरह से जो ये फिनोमिनल वर्ल्ड है और सोल है, ये बिना भगवान के पॉसिबल नहीं है। डिपेंडेंस एंड फॉल्सिटी आर नॉट आइडेंटिकल। सो रामानुजन डज नॉट एडमिट नॉन डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मण एंड जीव। ये कभी नहीं बोलते हैं कि वो एक हैं, वो अलग अलग हैं, बट वो क्या हैं? आइडेंटिकल। तभी तो मतलब पॉइंट क्या था वहां पे, आइडेंटिटी इन डिफरेंसेस। तीनों डिफरेंट हैं बट वो तीनों क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। वो क्या है? जूनियन है, जूनिटी नहीं। ये दिमाग में बात रखनी है आपको जब आप रामानुजन को पढ़ रहे हैं। तो जैसे गॉड है वो इनफाइनाइट है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मैटर की लिमिट होती है, सोल की लिमिट है, इसलिए इनफाइनाइट और फाइनाइट कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते उस एंगल से। बट जब हम उनके रिलेशन की बात करें अगर, तब क्या है? वो आइडेंटिकल है। सो रामानुजन इज एन एडवोकेट ऑफ ज्ञान कारण समुच्चयवाद, द थ्योरी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्शंस। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि वो ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, कर्मों पे, एक्शन पे, भक्ति पे, बट वो नॉलेज को भी डिनाई नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे भगवद्गीता है, उपनिषद हैं, श्री भाष्या है, जैसे उनकी टेक्स्ट है, तो अगर आप इनको रीड करते हैं तो आप जल्दी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि एक्चुअल में भक्ति क्या है, एक्चुअल में गॉड क्या है, क्लियर। इसलिए उन्होंने दोनों पाथ को माना हुआ है। उनका जो पाथ, उसको क्या बोला जाता है? ज्ञान कारण समुच्चयवाद। सो एज एस्पिरेंट हैज टू सरेंडर हिमसेल्फ कंप्लीटली टू गॉड एंड हु अलोन कैन ग्रांट अल्टीमेट रिलीजिंग फ्रॉम सफरिंग। रामानुजन डज नॉट एडमिट जीवन मुक्ति। शंकराचार्य जीवन मुक्ति को मानते हैं, जैसे बुद्धिस्ट जीवन मुक्ति को मानते हैं, बट ये जो रामानुजन की अगर हम बात करें, विधवे मुक्ति को मानते हैं कि मुक्ति कब मिलती है? मौत के बाद। जब आप ये शरीर छोड़ देते हो मुक्ति तभी मिलेगी। बट अगर हम शंकराचार्य की बात करें, बुद्धिस्ट की बात करें, तो वो जीवन मुक्ति को मानते हैं कि आप जिंदा जी भी मुक्त हो सकते हैं। क्लियर। सो रामानुजन रिकॉर्ड भक्ति योग द पाथ ऑफ डिवोशन एज अपोज टू शंकरा ज्ञान योग द पाथ ऑफ नॉलेज एज द सोल मीन्स ऑफ लिबरेशन। थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ज्ञान को दी है, बट ज्यादा जो भक्ति मार्ग पे रही है। सेल्वेशन को अगर हम कंसेप्ट देखते हैं, मोक्ष क्या, इनके अकॉर्डिंग टू रामानुजन, मोक्ष इज थस नॉट यूनिटी विद गॉड बट एटर्नल कम्युनियन विद हिम। नॉट यूनिटी बट यूनियन, है ना? कि जब मोक्ष मिलती है, मुक्ति मिलती है, तो आप क्या हो जाते हैं? भगवान के साथ बिल्कुल एक नहीं हो जाते हैं आप। जैसे हम बात कर रहे थे कि वो यूनियन है, यूनिटी नहीं है। यूनियन अगर होगी तो वहाँ सेपरेशन भी पॉसिबल है। फिर से आप, फिर से एक बार मतलब मोक्ष मिल गई तो आप भगवान के पास चले गए, फिर से वापस भी आ सकते हैं। अगर यूनिटी होगी तो आप मर्ज हो जाएंगे, जैसे शंकराचार्य बात करते हैं। बट अगर यूनियन है तो वहाँ पे फिर से पॉसिबिलिटी रहेगी, आपका फिर से रिवर्थ हो सकता है जब आपके कर्मास ओवर हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है, गॉड एंड सोल नेवर बिकम वन, दैट इज आइडेंटिटी इन डिफरेंसेस। जैसे बेसिक डिफरेंस है ना, जो गॉड और सोल में क्या डिफरेंस है, जो गॉड इट इज कम्पोज ऑफ नित्याभूति, प्योर मैटर, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं शुद्ध सत्व, इमटीरियल स्टफ आउट ऑफ विच गॉड एंड द इटर्नल एंड लिबरेटेड सोल्स आर मेड ऑफ, है ना? इसको क्या, गॉड कौन से मैटर का बना हुआ है? नित्याभूति, इमटीरियल स्टफ है वो। और ये वेद भी मानते हैं टाइप ऑफ डिफरेंसेस जो होते हैं, अगर उनकी बात हम करें रामानुजन के अकॉर्डिंग, सजातीय वेद है जो इंटर डिफरेंसेस, द टू आर सेम बट डिफरेंट, जैसे दो आत्मा हो गई, बजातीय डिफरेंसेस, इंटर डिफरेंसेस, डिफरेंसेस इन ग्रुपिंग, जैसे मैटर और सोल हो गया, स्वभागति भेद, सेल्फ डिफरेंसेस, डिफरेंस विद इन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, विद इन द जैस्मिन प्लांट वी फाइंड लीव्स ऑन फ्लावर्स। तो जैसे गॉड का जो है वो क्या है? सजातीय भेद। ट्रक्स में देखें हम, जो मेन कंट्रीब्यूशन है रामानुजन का, वो यही था, एक रिलीजियस पर्सन की तरह उन्होंने क्या किया, डिवोशंस को अल्टीमेट माना हुआ है। और डिवोशन किसकी की जाती है? हमेशा जो गॉड विद क्वालिटीज होगा, गॉड विदाउट क्वालिटीज की, जो निर्गुण की आप पूजा नहीं कर सकते। पूजा किसकी कर सकते हो? हमेशा सरगुण की, क्लियर। और ये गॉड विद क्वालिटीज मानते हैं, और जब गॉड विद क्वालिटीज मानते हैं अलॉन्ग विद, वो ये मानते हैं कि मैटर और सोल भी हैं, और ये मैटर और सोल इंडिपेंडेंटली रियल नहीं है, इनका जो एग्जिस्टेंस है वो गॉड पे डिपेंडेंट है। इसलिए जो फिनोमिनल वर्ल्ड आप एक्सपीरियंस करते हैं, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज थ्री, नॉट टू। तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन तभी होती है जब गॉड खुद इन्वॉल्व होता है। अगर दोनों गॉड, इसलिए यहाँ पे इमिनेंट भी है और ट्रांसेंडेंट भी है, बिल्कुल जैसे हमने स्पिनोज़ा में देखा था, वहां पे गॉड क्या था? इमिनेंट ही बोल दिया, बट यहाँ पे बिल्कुल इमिनेंट भी नहीं बताया, उसको बिल्कुल ट्रांसेंडेंट भी नहीं बताया, दोनों है। क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।